अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सादिया टीवी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़वातीन का जो हुस्न है उनके नस्वानी हुस्न से ही है। एक्चुअली कुछ ख़वातीन जो होती हैं उनके ब्रेस्ट का साइज़ बहुत कम होता है, पहना ओढ़ा उनको अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जनाब मैं कुछ भी पहन लूँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पैडेड ब्रास यूज़ करने पड़ते हैं, मुझे ये करना पड़ता है। तो उनके लिए मैं बताती चलूँ कि वो अपनी खुराक को बेहतर करें, क्योंकि खुराक अगर बेहतर करेंगे तो उससे उनकी जो जिस्मानी अफजाइश है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आजकल जो स्टीराइड मेडिसन आई हैं मार्केट में, उसको खाने से आपके वक्ती तौर पर जो साइज़ हैं ब्रेड्स के वो नुमाया तो हो जाएंगे, लेकिन वो वक्ती तौर पर होते हैं, मतलब परमानेंटली नहीं होते। अब इसको परमानेंटली कैसे किया जा सकता है? परमानेंटली करने के लिए इसका जनाब आपको ऑयल मसाज करना पड़ेगा। ऑयल मसाज के साथ साथ आपको जो है नारियल की जो खीर है वो यूज़ करनी पड़ेगी। नारियल की खीर यूज़ करने के बाद, नारियल की खीर कैसे बनती है आपको बता दूं कि कच्चा नारियल आपने लेकर उसको कद्दूकश करना है। कद्दूकश करने के बाद उसे दूध में पकाना है। जब वो अच्छी सी खीर तैयार हो जाए उसमें चीनी ऐड करें हसबे ज़ायका और उसको आप डेली यूज़ करें। कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करने से आपके जो ब्रेस्ट साइज़ है वो बढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ आप उसमें सडूल सी एक शेप बन जाएगी, सख्ती आएगी, तनाव आएगा और आपकी जो फिगर में है वो खूबसूरती पैदा होगी। अच्छा, इसकी जिनके बड़े जो हैं ब्रेस्ट हैं वो क्या करें, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज, जो कि वो ब्रेस्ट की एक्सरसाइज करेंगी जो YouTube पर इजीली मिल सकती है, जो कि आपको जिम इंस्ट्रक्टर इजीली बता सकते हैं कि वो कौन सी ब्रेस्ट एक्सरसाइज है जिससे आप अपने ब्रेस्ट कम कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगी। जो ख़वातीन जिम नहीं जा सकती वो इजीली इसको घर पर भी कर सकती हैं। तो आपको बताती चलूँ कि ये जो वो टिप्स हैं जो आप अगर अप्लाई करते हैं खुद पर तो आप अपने जिस्म को खूबसूरत, पुरकशिश और शेड्यूल बना सकती हैं। इसमें तिल का जो ऑयल है अगर आप वो भी यूज़ करती हैं तो उससे भी आपकी जिस्मानी साख्त में बहुत जो बेहतरी आएगी, खूबसूरती आएगी। तिल का ऑयल अगर आप हर खाने के बाद एक चम्मच ले लें या दिन में दो बार ले लें, सुबह शाम एक चम्मच, तो उससे भी आपकी स्किन चमकदार होगी, आपकी जिस्म की जो नुमाया शेप है वो खूबसूरत होगी, आपकी स्किन जो है वो ढलकेगी नहीं, उससे भी आपको लगेगा कि आप पुरकशिश हो रही हैं। तो ये थे छोटे छोटे टिप्स जो मैंने आपको दिए। उम्मीद है नाज़रीन आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ताला अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ लेकर आपके पास आते रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस टाइम पे आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।